हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा आइडिया शेयर करना चाहती हूँ, और वो आइडिया मेरा ये है कि आप अपने प्लांट में ऐसे ढेर सारे हिबिस्कस के फ्लावर कैसे पा सकते हैं। वो चीज़ आज हवाएं बहुत तेज़ हैं और गार्डन का व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा है, सो मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी शेयर करें कि हमने प्लांट में अपने कैसे क्या किया है वो चीज़। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, आजकल कितनी ढेर सारी हमारे प्लांट में कलियां आई हुई हैं और बहुत सारे बड्स निकल रहे हैं, फ्लावर भी खिला हुआ है, बहुत ही फ्लावर खिले हुए हैं इस समय। तो बहुत अच्छा लग रहा है। पेड़ मन तो बस यही करता है कि मैक्सिमम टाइम गार्डन में ही दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं बिजी शेड्यूल की वजह से हो नहीं पाता है। और उसी बिजी शेड्यूल से हम लोग थोड़ा सा टाइम अपने गार्डन के लिए, अपनी हॉबीज़ के लिए निकालते हैं। तो आज जो मैं शेयर करूंगी वो बहुत ही इजी स्टेप है, जिस चीज़ को हम लोग डेली अपने घरों में यूज़ करते हैं, और तो उसी चीज़ के बारे में बताएँगे। एक्चुअली जो केला होता है, जिसे हम लोग मैक्सिमम अपने घरों में यूज़ करते हैं, सभी के घरों में यूज़ किया जाता है, खाते हैं हम लोग, लेकिन उसका छिलका फेंक देते हैं। तो उसके छिलके से हम एक अच्छा फर्टिलाइज़र कैसे बना सकते हैं अपने ये प्लांट के लिए, ताकि हमारे प्लांट्स में ढेर सारे फ्लावर आएँ। उसके लिए जो सबसे अच्छा मेथड है, आप जब केला खा लेते हैं तो उस जो केले का जो छिलका होता है उसको अच्छे से आप कट कर लीजिए छोटे छोटे पीसेस में, और देन अगर दो केले का छिलका है तो आप उसको एक लीटर पानी में भिगो दीजिए, और अगर गर्मी का मौसम है तो कम से कम दो दिनों तक उसको भीगने दीजिए, और अगर ठंडी का मौसम है तो 4 से 5 दिन तक, क्योंकि तभी एक अच्छा सा फर्टिलाइज़र बन के हमारे हिबिस्कस या अदर प्लांट के लिए वो रेडी होगा। और उसको अगर आपका गर्मी का मौसम है तो आप दो केले के छिलके ले लीजिए और उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर दीजिए, देन उसे एक लीटर पानी में आप उसको डाल दीजिए किसी कंटेनर में, उसको ढककर रख दीजिए 2 दिनों के लिए। 2 से 3 दिन के बाद उसको एक बढ़िया सा किसी अदर कंटेनर में उसको छान लीजिए, और छानने के बाद उसे आप, जैसा ये मैंने छाना हुआ है, ये एक कंटेनर में मैंने फर्टिलाइज़र बनाया था अपने प्लांट्स के लिए, जो अभी मैं छानी हूँ इसको। आप चाहें तो ऐसे डाल सकते हैं, लेकिन छान इसलिए लिया है क्योंकि अगर आप अपने प्लांट पे स्प्रे भी करना चाहते हैं तो बहुत इजी रहे, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, एक थोड़ी सी स्मेल आती है, लेकिन भाई हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा है ये, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी फ्लावरिंग के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा तो करना पड़ता है। तो जैसे अभी मैंने वो फर्टिलाइज़र आपको दिखाया है, वैसे आप उसे छान लीजिए, और छानने के बाद अगर आप स्प्रे करना चाहें तो किसी स्प्रे बॉटल में उसको भरकर अच्छी तरीके से स्प्रे कर दीजिए, अदरवाइज़ हम तो ऐसे ही करेंगे। इस कंटेनर में मैंने भरा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा अपने प्लांट के ऊपर से इस तरीके से डालूँगी, जैसे आप देख पा रहे हैं कि, और थोड़ा सा उसके एकदम रूट में जाकर डालेंगे, रूट में, चूँकि प्लांट थोड़ा नीचे से भी मेरा बहुत घना है, इसलिए एक सेकेंड, ये पूरी तरीके से हमने अपने प्लांट में इसको खाली कर दिया है। देख लीजिए मेरा बॉक्स अब खाली हो चुका है। अब आप जो ये फर्टिलाइज़र डाल देंगे, उसके कुछ टाइम के बाद आप देख पाएंगे आपके प्लांट्स में भी ऐसे बहुत ढेर सारे बड्स निकलेंगे और बहुत सारे फूल आप भी पाएंगे, जैसे हमारे गार्डन में आ रहे हैं। मैं तो जैसे रोज़ प्लांट हुआ या ये हिबिस्कस हुआ, इन सब चीज़ों में मुझे ये जो बनाना का पील्स होता है, इसका फर्टिलाइज़र बहुत ही यूज़फुल लगता है। मैंने कई बार इसको ट्राई किया है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि नहीं, इसकी ग्रोथ इससे बहुत अच्छी हो रही है। तो आप भी ऐसे ढेर सारे फूल पाने के लिए ये फर्टिलाइज़र सेम स्टेप में यूज़ कर सकते हैं। और सबसे पहली बात, आप मेरी वीडियोस को प्लीज़ 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 स्किप मत करके देखिएगा, पूरी वीडियोस देखिए, तभी आप पूरे स्टेप्स को आप समझ पाएंगे, और ऐसे अच्छे अच्छे बड्स आपके पेड़ में भी निकलेंगे, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। भाई इसके अंदर से देख लीजिए छोटे छोटे कितने बड्स निकल रहे हैं, मतलब बहुत ढेरों बड्स निकले हुए हैं हमारे प्लांट में, फूल भी बहुत ढेर सारे खिल रहे हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सबसे पहले आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है
उनकी तो कोई बात नहीं है, और जिन्होंने नहीं किया है तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग। हम भी चाहते हैं हमारी वीडियो सभी लोग देखें और उनके साथ हम अपने जो भी हमारे आइडियाज़ हैं उनको शेयर करें। मोस्टली मैं वही आइडियाज़ शेयर करती हूँ जो ऑलरेडी मैं अपने प्लांट्स पे पहले कर चुकी होती हूँ। तो देखिए, इन्जॉय करिए और मेरी स्टिक को यूज़ करिए। थैंक यू, प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा। थैंक यू सो मच।